ना। अच्छा पलक, साथ में ये भी न्यूज आ रहा है कि इस बार आप और अविनाश शायद से नजबलिए से बाहर निकल सकते हैं, तो कितनी सच्चाई इस न्यूज में है? आपको सैटरडे संडे के एपिसोड का वेट करना पड़ेगा उसके लिए कि बट मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अब तक की जो जर्नी रही है वो बहुत ब्यूटीफुल रही है। हाँ, हारना जीतना तो इस कंपटीशन का हिस्सा है, एट द एंड तो एक ही जोड़ी को जीतना है, सबको एक एक करके निकलना ही है। सो यू ऑल वॉच द संडेज एपिसोड टू सी इफ वी आर आउट और नॉट, बट या लेट्स सी हाउ इट गोज। बट ऑल आई एम गोना से इज दैट आई एम रियली ग्लैड कि मुझे नचवलिए जैसा मंच मिला, कि मैं इस रिश्ते को बाहर ला पाई। हम दोनों नॉन डांसर्स होके हमने एक वो डांसिंग साइड एक दूसरे का एक्सप्लोर किया, जो कि बहुत ही फनी भी रहा है काफी चीजों में। बट आई थिंक आई एम रियली ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अच्छा पलक, डिजर्विंग कौन है नचबलिया जीतने आपके हिसाब से, अगर मैं बात करूं तो, जितना आपने ऑब्जर्व किया अब तक? मैं कोई भी जोड़ी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देने वाली एक नाम लेकर की, बट आई थिंक सारी जोड़ियां हाँ इतनी आगे तक आ चुकी है तो उनमें कुछ ना कुछ तो है जो कि वो इस लेवल पे आए हैं। बट हाँ, डे वन से अगर मैं एक जोड़ी का नाम लूं तो मेरे लिए दिल से फैजान जोड़ी जीत गई थी ऑलरेडी नचबलिया, बिकॉज द काइंड ऑफ पैशन दे हैड फॉर डांसिंग, दैट गाय इज कमेंडेबल है। आई मीन ही वाज सो गुड एट डांसिंग एंड एवरीथिंग, सो आई पर्सनली फील दैट वो जोड़ी एक थी जो डिजर्विंग थी, जो कि निकल गई है अनफॉर्चुनेटली उनके एक्सीडेंट की वजह से। बाकी दैट्स देयर। थैंक यू सो मच फॉर